दोस्तों, घर की कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो तो ये वीडियो जरूर देखना, काफी काम की आपकी वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको प्लास्टर के बारे में बताने वाला हूँ। तो जो लोग अपने घर में प्लास्टर करवा रहे हैं, चाहते हैं कि घर में क्रैक्स नहीं आए, तो ये वीडियो कंप्लीट देखोगे तो आपके घर में क्रैक्स काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएंगे। और प्लास्टर करने के दौरान ये काफ़ी गलतियाँ होती हैं जो आपको ये ध्यान देनी है, 7 से 8 मिस्टेक भी बताऊँगा, और प्लास्टर को चेक कैसे करते हैं, और सिविल इंजीनियर जो हैं, साइट इंजीनियर, उनके लिए चेकलिस्ट भी है कि ब्रिक मैसनरी या प्लास्टर में आपको क्या क्या चीज़ें चेक करनी होती हैं साइट पे जाके, वो सब चीज़ें इसमें मिलेंगी। सबसे पहले हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे, जो चिकन मैश होती है उसका क्या काम होता है, उसके बाद 6 गलतियाँ, उसके बाद चेकलिस्ट। तो फ्रेंड्स, आज मैं टॉपिक लेके आया हूँ। आपने देखा होगा कि जो हमारी वॉल्स रहती हैं घर पे भी, आपकी हाउस होगा या बिल्डिंग में देखा होगा कि उसमें क्रैक क्रिएट हो गए होते हैं, मतलब उनको बोलते हैं हेयर पिन क्रैक भी होते हैं और बड़े क्रैक भी होते हैं। वो क्यों क्रिएट होते हैं वो मैं बात करने वाला हूँ। और सामने देख रहे हो हमारी एक मतलब मैश सी है, मतलब एक गैल्वेनाइज्ड उसकी, तो ये क्या है, क्यों यूज़ करते हैं, बाकी आपने देखा होगा साइट पे प्रोवाइड करते हुए, लेकिन अच्छे से आपको पता नहीं होगा रीज़न क्या है प्रोवाइड करने का, तो वो मैं आज उस पर बात करने वाला हूँ। पहले तो एक चीज़ ये है कि आपको ये 150 mm की मतलब लैप मतलब कटिंग करनी है। पहले कटिंग कर लो, फिर मैं बताऊंगा लगेगी कहाँ। अभी सामने देख रहे हो जहाँ हमारा कंक्रीट जॉइंट है और नीचे एसीसी ब्लॉक जॉइंट है, जहाँ जो भी मैसनरी यूज़ की हुई है, तो इनके जॉइंट में आपको ये प्रोवाइड करनी है। क्यों प्रोवाइड करनी है, आपने देखा होगा कि कभी भी उनका जॉइंट मिला नहीं होता है, मतलब क्रैक होते ही होते हैं। जहाँ भी आपका कंक्रीट होगा और मैसनरी स्टार्ट होगी, वहाँ आपका क्रैक होगा। तो इसको इस क्रैक से बचने के लिए हम क्या करते हैं, वायर मैश यूज़ करते हैं। यहाँ ये होती है हमारी ग्लेवनाइज्ड वायर मैश, और ये 25x50 mm की होती है। और मतलब इसकी जगह आप यूज़ कर फाइबर भी यूज़ कर सकते हो, स्टील फाइबर यूज़ करो 6 mm का, या दूसरा फाइबर यूज़ करो, लेकिन आपको ये मैश यूज़ करोगे बहुत अच्छा है प्रोवाइड, अगर इसमें अच्छा जॉइंट बनेगा और क्रैक्स के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। क्योंकि क्या होता है, जो हमारा कंक्रीट का मतलब थर्मल एक्सपेंशन अलग होता है, मतलब और ब्लॉक अलग, और इसमें क्या होगा अलग 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 वो होता, तो इसमें क्या होगा क्रैक क्रिएट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसको आप बाहर भी प्रोवाइड कर सकते हो, अगर मतलब प्लास्टर बाहर में प्लास्टर करवा रहे हो, अगर 20 mm से ज़्यादा प्लास्टर हो जाता है तो आप वहाँ इसको प्रोवाइड कर सकते हो, लेकिन मतलब वहाँ पे चांसेस रहते हैं क्या होगा कि क्रोजन लग के वहाँ टूटने के, प्लास्टर टूटने के काफ़ी चांसेस रहते हैं। तो बाहर अगर नहीं भी प्रोवाइड करोगे चलेगा, अंदर आपको मतलब यहाँ भी जॉइंट होगा आपको वहाँ प्रोवाइड करना है। अगर आप वायर मैश प्रोवाइड नहीं कर रहे हो तो आपको वहाँ अपने जो मोटार होगा मिक्स होगा वहाँ पे उसमें फाइबर यूज़ करना ही करना है। तो सामने देख रहे हो मतलब ये बंडल बनाए रहते हैं इसके 150-150 के, और इसमें मेन चीज़ क्या है ध्यान रखनी है, जहाँ भी आपका जॉइंट होगा तो 75 mm एक तरफ चढ़ाना है, 75 mm आपका दूसरी तरफ चलना ही चाहिए। मैं आपको दिखा भी देता हूँ कैसे हम इसको मतलब उसमें लगाते हैं। तो ये सामने देख रहे हो, देखो 75 mm मतलब एसीसी ब्लॉक पे और 75 mm नीचे। तो मेन फंडा क्या है, मतलब हेयर पिन क्रैक से बचने के लिए हम ये प्रोवाइड करते हैं, और मतलब दोनों का अच्छे से जॉइंट बन जाए तो इसके लिए हम इसको अच्छे से प्रोवाइड करते हैं। ये छोटा सा टॉपिक था लेकिन बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, आप इसको हमारी वेबसाइट पे देख सकते हो civilsitevisit.com पे। तो फ्रेंड्स, ये टॉपिक इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें से इसका सेम काम होता है, जैसे मैंने सामने देख रहे हो हॉकिंग की हुई है, मतलब मैंने एक वीडियो पहले बनाई थी हॉकिंग, आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो सेम वर्क है इसका भी, वायर मैश का प्रोवाइड करना है। किस लिए प्रोवाइड करना है, मतलब दोनों प्लास्टर में जो पुराना कंक्रीट होगा और एसी ब्लॉक में अच्छे से जॉइंट बन जाए, मतलब उसमें फिनिशिंग अच्छी हो जाए, और बाद में कोई भी इन फ्यूचर आपको क्रैक नहीं दिखा। नहीं तो आपने देखा होगा कि पपड़ी उठने शुरू हो जाती है या उधर क्रैक्स पड़ी जाती हैं, धीरे धीरे क्रैक बड़े होते जाते हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए आपको वहाँ हमेशा जॉइंट पे वायर मैश यूज़ करनी है, और प्लास्टर में आपको फाइबर यूज़ करना ही करना है, ठीक है। आज मैं बताऊँगा कि प्लास्टरिंग से पहले आपको क्या क्या चीज़ें करना है कि आपकी प्लास्टरिंग वर्क एकदम परफेक्ट हो, और दूसरी चीज़ प्लास्टरिंग के दौरान क्या क्या चीज़ें करनी है, जहाँ प्लास्टरिंग के बाद ऐसी टिप्स बताऊंगा जिससे आपका खर्चा भी बचेगा और प्लास्टर एकदम एक्यूरेट वे से होगा जिसकी लाइफ बहुत ज़्यादा होगी, मैं गारंटी देता हूँ। तो स्टार्ट करता हूँ मैं। सबसे पहली चीज़ क्या करनी है, सामने आप ब्रिक देख रहे हो, ब्रिक को जब भी ब्रिक वर्क हो रहा हो तब उस दौरान ही आपको तैयारी करनी है प्लास्टर के लिए। सबसे पहले आप देख रहे हो जहाँ जहाँ ब्रिक लगी है वहाँ बीच में ऐसे ग्रूव जैसा बना हुआ है, ग्रूव, ये ग्रूव प्रॉपर वे से होना चाहिए, मतलब अगर ग्रूव नहीं होगा तो प्लास्टर अच्छे से चिपकेगा नहीं और वो बॉन्ड अच्छे से नहीं बनाएगा ब्रिक के साथ, ठीक है। ये हो गई बॉन्ड बनाने की, लेकिन एक चीज़ और रोकती है ब्रिक को जो बॉन्ड नहीं बनाएगा, वो है क्यूरिंग। अगर आपने प्रॉपर वे से क्यूरिंग नहीं किया दीवार की, मतलब उसको ऐसे तो 7 से 10 दिन तक क्यूरिंग करना ही करना है आपको,
लेकिन उसको क्यूरिंग तब तक करना है कि वो पानी सोखना बंद कर दे। मतलब आपको कैसे चेक करना है, आपने पानी पाइप ली, पानी मार रहे हो आप, और वो पानी नीचे पहुंच रहा ही नहीं है, मतलब अंदर ही सोखती जा रही है ब्रिक, तो वो अभी भी ब्रिक को पानी चाहिए, तो उसको तब तक पानी आपने क्यूरिंग करनी है तब तक वो पूरा पानी सोख ना ले। 7 से 10 दिन आपको क्यूरिंग करनी है प्लास्टर से पहले। ये पहली टिप हो गई हमारी कि एक तो ग्रुप प्रॉपर वे से होना चाहिए, या नहीं तो झाड़ू मार लो अच्छे से, उस पर झाड़ू से भी कर सकते हो या ग्रुप बनाओ, ठीक है। दूसरी चीज़, उसकी क्यूरिंग प्रॉपर वे से होनी चाहिए, ये हमारी पहली शर्त है अगर आपका प्लास्टर अच्छा होगा। दूसरी में मैं आता हूँ, सामने आप देख रहे हो एक तरफ ब्रिक वर्क है, एक तरफ है हमारा कंक्रीट। तो इसमें क्या करना है आपको, इसमें जब भी आप प्लास्टर करोगे इसमें आपको चिकन मैश लगानी है, मतलब जो जिसमें हम मुर्गा वगैरह रखते हैं, आपने देखी होगी वो जाली जो लगी होती है, वो जाली आपको मतलब 4-4, 5-5 इंच दोनों जॉइंट पे आधी आधी डाल देनी है, मतलब 3 इंच इस तरफ आ जाए, 3 इंच उस कंक्रीट पे आ जाए, तो उस पे हमें वो चिपका देनी है कि बाद में क्या हो, जब भी आप प्लास्टर करो तो प्लास्टर अच्छे से उस एरिया में हो जाए। ये नहीं हो कि वहाँ क्रैक बन जाए, एक दरार जैसी बन जाएगी, वो बड़ी ख़राब भी दिखती है और वो मतलब बाद में जाके डिटोराइड मतलब प्लास्टर आपका ख़राब होने लग पड़ेगा। देखो जहाँ जहाँ आपको कंक्रीट होगा ना, कंक्रीट और ब्रिक का जॉइंट जहाँ भी होगा ना, वहाँ आपको चिकन मैश लगानी है। ये में दूसरी शर्त है हमारे अच्छे प्लास्टर की, अगर आपको अच्छा प्लास्टर चाहिए। देखो तीसरी, इसको मैं दूसरी में ही गिनूंगा, जो कंक्रीट का सरफेस है उसको रफ़ कर देना है, मतलब उसमें एक तो बोलते हैं हम, अगर टेक्निकल वर्ड में बोलूं उसको बोलते हैं हम हाकिंग। हाकिंग क्या होता है, मतलब किसी भी औजार से, किसी भी तेज जो होगा थोड़ी या शार्प एज से, उसको हम टाचा मार देते हैं, मतलब उसको निशान बना देते हैं, रफ़ बना देते हैं सरफेस को। अगर वैसा नहीं करना है, जैसा आपको कंक्रीट सरफेस होता है तुरंत उसको रफ़ कर दो कि बाद में उस पर प्लास्टर चिपक जाए, ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। मतलब उस पर हाकिंग, अगर मैं टेक्निकल जो इंजीनियर कोई देख रहा होगा तो आपको हाकिंग प्रोवाइड करवानी, अगर आप कॉन्ट्रैक्टर भी हो जहाँ अपना घर बना रहे हो तो वहाँ हाकिंग आपको प्रोवाइड करनी है। दो जगह आपको हाकिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी, एक तो आपको छत हो गया, सामने आप छत देख रहे हो, अगर वो उसमें शटरिंग हुई है, फट्टे वगैरह लगाए हुए हैं, प्लेट्स नहीं है, तो वो अपने आप थोड़ा बहुत रफ हो जाएगा तो प्लास्टर आपका टिक जाएगा। लेकिन कहीं जगह वो नहीं होता है तो आपको वहाँ क्या करना है, हाकिंग प्रोवाइड करनी है, मतलब सरफेस को रफ करना है प्लास्टर के लिए। ये चीज़ आपको ध्यान देनी ही देनी है, ये मैं आपको कहूँगा। और सामने आप देख रहे हो जो ब्रिक वर्क हुई है, ऐसा ब्रिक वर्क होना चाहिए कि उसमें रफ सरफेस हो, ग्रूव बने हुए हों, ये चीज़ें आपको प्लास्टर से पहले होनी चाहिए। मैं फिर रिपीट करवाता हूँ, क्या था, एक था हमारा क्यूरिंग प्रॉपर वे से करनी है, दूसरा आपको चिकन मैश प्रोवाइड करनी है जो भी कंक्रीट सरफेस होगा, तीसरी आपको रफ सरफेस रखनी है, हाकिंग प्रोवाइड करनी है, ये तीनों शर्तें होगी। अगर हाकिंग और क्यूरिंग जहाँ आपको चिकन मैश के बारे में नहीं पता है तो प्लेलिस्ट देखना, उसमें मैं वीडियोस डाल चुका हूँ इसके बारे में, आप देख सकते हो। ये हो गई हमारी 3 चीज़ें, अभी हम बढ़ते हैं प्लास्टर करते दौरान आपको क्या 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 चीज़ें ध्यान देनी है, ठीक है। जब प्लास्टर करेंगे हम तो सबसे पहले नीरू बनाना है, जिसे हम स्लरी बोल लो, नीरू बोल लो, या सिर्फ सीमेंट की पेस्ट बोल लो। क्या करना है, किसी भी जग वगैरह में या कोई भी बाल्टी वगैरह में सीमेंट डाल देना है आपको, जितनी आप जितनी दीवार करनी है उसी हिसाब से डालना है, वो आप रेशो बना लोगे कि स्लरी बना लेनी है, सीमेंट को घोल लेना है पानी में अच्छे से, और थोड़ा बहुत उसमें थोड़ा सा रेत डालना है, ज़्यादा नहीं, उसको आपको पहले उस पे दीवार पे छाड़ लेना है, मतलब पानी की तरह मार लेना है। जब भी जिस दीवार पे आपको प्लास्टर करना है उसी 1 मिनट पहले उस पे नीरू बना के मार लेना है, मतलब जो हम करते हैं, उससे क्या होगा, वो जो प्लास्टर उसके ऊपर करोगे ब्रिक पे, वो अच्छे से उसके साथ बॉन्ड बना लेगा, मतलब अच्छे से चिपक जाएगा दीवार पे, अगर आपने नीरू या स्लरी पहले दीवार पे मारी हुई है। तो ये भी एक चीज़ आपको ध्यान रखनी देनी है, जब भी प्लास्टर करोगे तो पहले आपको स्लरी मार देनी है दीवार पे पूरे, मतलब सीमेंट की पेस्ट जब पानी में घोल के, जैसे हम कोई भी लिक्विड फॉर्म में, वो आपको दीवार पे मार देनी है, उसके बाद प्लास्टर करना है। अभी बात करते हैं हम वाटर जो रेशियो रहती है, आपको कौन सा प्रोपोर्शन डालना जो बेस्ट है मतलब प्लास्टर के लिए, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको अभी अच्छे से सुनना, अच्छे से मैं बताऊँगा इस चीज़। तो इसमें मैं बात करता हूँ कि आपको क्या मिक्स रेशियो डालनी है, मतलब कितना सीमेंट और कितना रेती डालना है, ये दो चीज़ें मैं ऐसी बताऊँगा, आपका पैसे भी बचेंगे। देखो सबसे पहले मैं बताता हूँ, अंदर में जो प्लास्टर करना है आपको, अंदर का प्लास्टर करना है, उसमें आपको रेशियो डालनी है 1:6, मतलब 1:4 डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। कौन सी डालनी है, 1:6। 1:6 क्या हो गया, एक आपको सीमेंट की रेशियो डालनी है, एक बैग सीमेंट डालोगे तो 6 बैग आपको जो रेती के वो डालने हैं, सैंड डालनी है, मतलब जो भी आपने सांचा या कुछ भी बनाया होगा प्लास्टर के लिए, तो एक वो डब्बा सीमेंट डालोगे तो 6 डब्बे आपको क्या डालनी है,
सैंड, ये हो गया इंटरनल प्लास्टर। और जो उसकी थिकनेस रखनी है आपने 12 mm से 15 mm से ज़्यादा नहीं रखनी, ये चीज़ आप ध्यान देना। जब वो होता है कि जब राइट एंगल में हमें दीवारें करनी पड़ती हैं तो उसमें कभी कभार ज़्यादा जाता है, लेकिन आपको उसमें ध्यान रखना है कि आपका 12 mm या 15 mm से ज़्यादा उसमें प्लास्टर नहीं जाना चाहिए इंटरनल में। अब आते हैं सीलिंग जो हमारी होती है, सीलिंग में क्या ध्यान देना है आपको, आपकी जो रेशो लगानी है आपको वो लगानी है 1:4, मतलब 1:1 का सीमेंट, 4:1 आपकी सैंड, मतलब 1:4 हमें सीलिंग में लगानी है। और हमें प्लास्टर कितना करना है उसमें 8 से 12 mm से ज़्यादा आपका प्लास्टर उसमें नहीं करना, मतलब इतनी थिकनेस रखनी है। ज़्यादा रखोगे वो क्या करेगा बाद में, इन फ्यूचर अगर बाई चांस स्लैब लगी कोई, कुछ मतलब डैमनेस हुई, वो नीचे गिर जाएगा पपड़ी बन के। तो 8 से 12 mm आपको रखनी है। नेक्स्ट आते हैं हम एक्सटर्नल वॉल, जो हम बाहरली दीवारें होती हैं उस पर हमें कितना रखना है, उस पे हमें रखना है 20 mm का प्लास्टर। मतलब अगर 20 mm रखोगे बाई चांस बाद में बारिश भी पड़ी तो वो जो दीवार ब्रिक होगी, ईंट होगी, वो अंदर पानी ना सोके, इसलिए हमें 20 mm उसमें रखना ही रखना है। उसमें क्या करना है, 2 coat मारने हैं आपको। अगर पैसा बचाना है मतलब सस्ता करना है काम, तो फर्स्ट कोट जो मारना है आपको वो 12 mm का कोट मारना है, उसमें रेशियो रखनी है 1:6, ठीक है। और जो सेकेंड कोट मारोगे आप उसमें आपको रेशियो रखनी है 1:4, और वो 8 mm का आपका कोट होना चाहिए। मतलब टोटल आपको 20 mm का उस पर कोट मारना है, ये ध्यान देनी है आपको एक्सटर्नल प्लास्टरिंग में। और चीज़ क्या ध्यान देनी है, जब आप बाहर में पेंट करो तो पॉसिबल हो तो वाटरप्रूफिंग का आपको एडमिक्सचर डाल देना है, सस्ता मिलता है, कोई ज़्यादा महंगा नहीं है वो, 300 mm एक बैग में आपको डालना है। उससे क्या होगा, आपका पानी अंदर आने के चांसेस कम हो जाएंगे, मतलब प्लास्टर पानी नहीं सोखेगा। क्योंकि कभी कभार क्या होता है, जो हमारा प्लास्टर मतलब जो सैंड होती है वो अच्छी नहीं होती है, वो क्या करती है, बारिश पड़ेगी वो पानी सोखेगी अंदर को। तो वो चीज़ ध्यान देनी है कि ऐसा प्लास्टर यूज़ करना है कि जो पानी सोखे नहीं। दूसरी चीज़ वाटरप्रूफिंग में बोलता हूँ, मिक्स कर लो, थोड़ा बहुत ज़्यादा खर्चा पड़ेगा लेकिन वो सेफ़ रहेगा फ्यूचर के लिए कि आपका कोई भी बाद में दिक्कत नहीं आए, इसलिए वाटरप्रूफिंग आपको ऐड कर लेना है। एक चीज़ मिस्टेक की जाती है, देखो जब भी प्लास्टर करवाते हो आपको ध्यान देना है जहाँ जहाँ आपकी बाद में टाइलिंग होने वाली है, मतलब आपकी बाथरूम में टाइलिंग होगी या टॉयलेट में टाइलिंग होगी या वार्डरोब वगैरह, जहाँ भी आपको बाद में कंस्ट्रक्शन करनी है वो एरिया आपको रफ़ करवा लेना है। इसमें क्या होता है, तब भी रफ़ नहीं करते हैं, बाद में भी रफ़ हो जाता है, लेकिन उसमें क्या होता है, तब हेयर लाइन क्रैक पड़ने के चांसेस भी होते हैं कि छोटे छोटे क्रैक पड़ जाते हैं प्लास्टर में बाद में करते जब हम। तो एक चीज़ और होता है, अगर हमने अभी नहीं की होगी बाद में खर्चा पड़ेगा करने का, तो ये चीज़ ध्यान देनी है। जैसे आप सामने देख रहे हो ये एरिया जो है टाइलिंग के लिए ये रफ़ कर दिया गया है पहले ही, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान देनी है जब प्लास्टर आप करवाओ या प्लास्टर आप करवाओ। ये हो गई सब चीज़ें, मतलब प्लास्टर तक कंप्लीट हो गया। अब आती है मेन चीज़ जिस पे पूरी उसकी लाइफ भी टिकी होती है, और जो मेन चीज़ है वो बहुत ज़्यादा जगह देखे मैंने ध्यान देते ही नहीं है, वो होती है तराई या क्यूरिंग। मतलब जो आपकी प्लास्टर की तराई है, क्यूरिंग है, वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसकी लाइफ उसी पे डिपेंड है। अगर आप प्रॉपर वे से उसको क्यूरिंग नहीं करोगे, मतलब तराई नहीं करोगे, 7 से 10 दिन उसको आपको तराई करनी है। जैसे मैंने ब्रिक के केस में बताया कि आपको तब तक क्यूरिंग करनी है तब तक प्लास्टर पानी सोखना बंद ना कर दे, तो आपको उसकी क्यूरिंग करनी ही करनी है। क्यूरिंग करोगे उससे क्या होगा, उसकी लाइफ भी बढ़ेगी, और जो हाइड्रेशन प्रोसेस होता है टेक्निकल वर्ड में बताऊँ मैं सीमेंट का, वो भी कम्प्लीट होगा। तो आपको उसकी क्यूरिंग करनी ही करनी है, ये चीज़ भी आपको ध्यान देनी है। ये नहीं करते हैं तो वो काफ़ी दिक्कत हो सकती है। और मतलब इसमें क्या होता है, एक चीज़ मैं बोल गया, जो मिस्त्री वगैरह, अगर आपको सफाई चाहिए आपके प्लास्टर में तो आपको क्या करना है, उनके जो इंस्ट्रूमेंट ट्रॉल वगैरह होते हैं उनको चेक कर देना है, क्योंकि कई भी कभार क्या होता है वो पुराने औजार वगैरह यूज़ करते हैं, उससे सफाई कम आती है काम में, ये चीज़ भी आपको ध्यान देनी है। कैसे देख रहे हो आप, पहले रिपोर्ट नंबर, फिर डेट, फिर हमारा जो स्ट्रक्चर डिस्क्रिप्शन है वो दे देनी है कि कौन सा स्ट्रक्चर आपका, ठीक है। फिर देना आप टाइप ऑफ मेसनरी, आपकी ब्लॉक चल रही है कि ब्रिक चल रही है वो लिख देना है। फिर हमारी बात आती है जो हमारा सामने आप देख रहे हो ड्राइंग नंबर, जो भी ड्राइंग नंबर रहेगा वो मेन होता है, जो मतलब क्यों डिस्क्रिप्शन में देना है कि इसके अकॉर्डिंग हमारा काम हो रहा है नहीं हो रहा है, रिविज़न उसकी, वॉल थिकनेस हो गई, एरिया हो गया, जहाँ भी आपका काम चल रहा है, ये जो मेन बेसिक है, ये आप कोई भी फॉर्मेट देखो ईजिली भर सकते हो। मेन आते हैं हमारे जो एक्टिविटीज़ हैं, पहला है कोई भी आपका मतलब मैसनरी के लिए क्या है, आपका प्लास्टर चाहिए, सीमेंट चाहिए, उसका क्या है, कोई भी क्लाइंट होगा उसको टेस्ट चाहिए कि वो मटेरियल आप अच्छा यूज़ कर रहे हो नहीं कर रहे हो, तो जो भी आपकी लैब होगी वहाँ आपको चेक करवाना है। दूसरी चीज़,
दूसरा है कि चेक अवेलेबिलिटी ऑफ 0.035 क्यूमिक गॉज बॉक्स की अवेलेबल है जिससे आप नाप रहे हो कि आप रेशन 1:6 का यूज़ कर रहे हो, 1:4 कर रहे हो, जो भी रेशो यूज़ कर रहे हो वो प्रॉपर गॉज से डाल रहे हो कि नहीं। और ये 0.035 क्या है, एक मतलब एक सीमेंट बैग का वॉल्यूम है, और इसकी वीडियो पहले है, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप देख लेना। थर्ड चीज़ वो आती है, क्या कहते हैं कि जो आप मटेरियल अगर ब्रिक वर्क कर रहे हो तो जो मोटार यूज़ करोगे 30 मिनट के अंदर आपको बनाने से लेके उसको यूज़ करने के 30 मिनट में आपको कंज्यूम करना होता है। तो हमने कहा हमने ये किया, ओके, क्लाइंट की तरफ से भी ओके। नेक्स्ट है हमारा जो ब्रिक होगी वो अच्छे से उसको सोख के रखना है, मतलब पानी में डुबो के रखना है, और हाफ या आधी ब्रिक यूज़ नहीं करनी है। तो ये ओके है, इसमें कुछ क्लाइंट का भी कोई कहना कुछ नहीं है। नेक्स्ट है जो भी आप ब्रिक वर्क करोगे वो इंग्लिश बॉन्ड पैटर्न से करना है, और फ्रॉग आपको पता ही है जहाँ नाम लिखा रहता है उसका फेस ऊपर रखना है, और यूनिफॉर्म लेयर रखनी है मतलब कोई भी, और 1 मीटर से ज़्यादा लेवल नहीं देना है उसको, ये हमेशा याद रखना। और ये हमारा साइट पे जो भी होगा तो क्लाइंट चेक करेगा, और उसकी तरफ से क्या है ओके। मेन ये क्या काम रहता है कि जो आपने काम किया है ITP का मेन मकसद क्या है, इस पे वीडियो देख सकते हैं, मैंने अच्छे से बताया है। मकसद यही है कि काम आपका अच्छे से हुआ है कि नहीं हुआ है। नेक्स्ट है आपका, मतलब वो ही देख रहे हो आपकी 1200 से हाइट्स ज़्यादा आपको एक दिन में नहीं करनी है। नेक्स्ट है सातवां है जो आपके वर्टिकल जॉइंट्स होंगे वो स्टैगर्ड होने चाहिए, और जो अंदर उसको खाँचा मारा होना चाहिए 10 से 12 mm का अंदर किया होना चाहिए, जो भी आपकी वो ब्रिक वर्क रहेगा जहाँ आपका ब्लॉक मैसनरी रहेगा। नेक्स्ट है चेक फॉर प्रॉपर रीइन्फोर्समेंट एज पर स्पेसिफिकेशन रिक्वायरमेंट ऑफ हाफ ब्रिक। अगर हाफ ब्रिक वर्क होता है वहाँ रीइन्फोर्समेंट डालते हैं, लेकिन यहाँ क्या हमारे जो भी वर्क ऑर्डर है उसमें नहीं दिया कि आपको ये करना है, तो ये नॉट एप्लीकेबल, दोनों तरफ से कुछ नहीं है, इसका हमें कुछ पैसा नहीं मिलेगा अगर आप बाई चांस हम कर भी देते हैं। नेक्स्ट नाइन नंबर है कि जो वर्कलिटी है, मतलब ब्रिक अपनी वर्टिकल सीधी जा रही है नहीं जा रही है वो चेक करनी है, उसमें टॉलरेंस लिमिट कितनी होती है। अगर सीधी वर्टिकल चेक करेंगे, साउल करेंगे प्लम्ब बॉब, तो 10 mm आप आगे पीछे चला सकते हो। अगर 3 मीटर से हाइट है वहाँ 5 mm अलाउड होता है, ये हमेशा आपको याद रखना है, इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है। और मैसनरी जो आपकी 7 दिन तक आपको उसकी क्यूरिंग करनी ही करनी है, ये हमेशा याद रखना। हर साइड पे मेन चीज़ क्या देखी जाती है, यही देखी जाती है। तो ये हो गया हमारा ब्रिक वर्क और मैसनरी का। आगे मैं बताता हूँ प्लास्टर का। तो प्लास्टर में क्या है, सेम जो ITP फॉर्मेट है हमारा सेम है, उसमें क्या है रिपोर्ट नंबर, डेट, स्ट्रक्चर, डिस्क्रिप्शन, टाइप ऑफ प्लास्टर, ड्राइंग नंबर, जो भी है सब वो जो ऊपर हेडिंग रहेगी वो सब में सेम रहेगी, वो बेसिक आप भर सकते हो, पढ़ के भी आप भर सकते हो। तो मेन चीज़ देखो, डिस्क्रिप्शन हो गया, टाइप ऑफ प्लास्टर हो गया, ड्राइंग नंबर हो गया, वॉल थिकनेस हो गई, उसकी रिवीजन कौन सी चल रही है, 1-2 ड्राइंग उसके हिसाब से, बॉटम लेवल कितना प्लास्टर हुआ, टॉप लेवल उसका कितना प्लास्टर कर दिया, एरिया कहाँ प्लास्टर चल रहा है, ये सब डिस्क्रिप्शन आपको ITP में फिल करनी होती है। पहला क्या कहता है वही सेम कहता है, अगर प्लास्टर कर रहे हो, सीमेंट हो गया, सैंड हो गया, एग्रीगेट हो गया, सबकी आपको क्लाइंट को रिपोर्ट देनी होती है कि जो आप मटेरियल यूज़ कर रहे हो एज अकॉर्डिंग वर्क ऑर्डर है। दूसरा वही है गॉज के हिसाब से, मतलब प्रोपोर्शन डाल रहे हो वो चेकिंग के लिए, और गॉज का निकालते कैसे हैं उस पर वीडियो है, आप प्ले लिस्ट देखो उसमें मिल जाएगी, आप देख लो अच्छे से। नेक्स्ट है जो प्लास्टर कर रहे हो जहाँ पे, वो वहाँ पे जो ब्रिक है वहाँ एफ्लोरेंस नहीं है, वो सफ़ेद सफ़ेद दाग देखे होंगे वो नहीं है, या डस्ट नहीं है, अच्छे से लूज़ मटेरियल निकाला हुआ है, तो फिर प्लास्टर के लिए इंश्योर करना है। तो वो क्लाइंट बोलता है ओके। मैं लास्ट में इसका आपको फॉर्मेट भरा हुआ भी दिखाता हूँ, लेकिन इसमें दिखा देता हूँ। फोर्थ नंबर क्या कहता है, जो भी आपकी मैसनरी है उसमें अच्छे से स्टैगर्ड, उसमें खाँचा डाला हुआ है, जहाँ कंक्रीट का सरफेस है वहाँ पे अच्छे से हॉकिंग की हुई, हॉकिंग पे वीडियो आप देख सकते हो। और कहता है कि अगर जहाँ जॉइंट है हमारे जो 5th नंबर पे आप देखोगे, वहाँ GI की आपको वो लगानी है, जाली लगानी है 25 से 50 mm की, वो आती है, दोनों को जॉइंट पे लगाओगे तो वहाँ क्रैक नहीं आएंगे। इस पे वीडियो है, वो देखते हो, जो भी मैं फॉर्मेट यहाँ बता रहा हूँ सब पे टोटल वीडियो है, और इंटरव्यूज में मैं बोलता हूँ यहीं से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, ये हमेशा ध्यान रखना। सातवां कहता है चेक दैट फर्स्ट कोड इस, मतलब जो फर्स्ट जो कोड डालोगे वो 12 mm का है, और 48 घंटे के बाद आपको दूसरा कोड डालना ही है। और इस पे भी वीडियो है कि मैक्सिमम मिनिमम आपको कितनी थिकनेस प्लास्टर की रखनी होती है। 9th नंबर हमारा कहता है कि जो रेक्रोन यूज़ करो, मतलब हमेशा याद रखना प्लास्टर में अगर आप रेक्रोन यूज़ करोगे फाइबर, मतलब वो कितना होना चाहिए, 50 kg के बैग में 125 ग्राम डालना है। और इससे डालने से होगा क्या, आपके क्रैक्स बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे, मतलब दीवार पे क्रैक्स आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएंगे। 10th कहता है चेक दैट प्लास्टर ऑन टॉपिंग ऑफ पैरापिट वॉल, मतलब जब जहाँ भी आपकी पैरापिट वॉल होगी वहाँ पे आपको कॉपिंग प्रोवाइड करनी है, क्योंकि जो
टॉप लेयर रहेगी तो सबसे ज़्यादा बारिश या जो भी मार रहेगी उसको आएगी, तो वहाँ कॉपिंग प्रोवाइड की रहेगी, मतलब कंक्रीट की लेयर प्रोवाइड की रहेगी, तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो 11th कहता है कि फाइनल एक्सटर्नल सरफेस ऑफ प्लास्टर इज फिनिश्ड आफ्टर टू ट्रॉवल, मतलब जो भी आप फाइनल लेयर कर रहे हो वो अच्छे से लेयर फिनिश होना चाहिए। अगर स्टुको प्लास्टर कर रहे हो अच्छे से वो कनकने पड़े होने चाहिए, स्टुको प्लास्टर पे वीडियो है आप देख सकते हो। 12th कहता है कि क्यूरिंग आपको 10 दिन करनी है मिनिमम, आपको प्लास्टर की क्यूरिंग कितनी करनी है 10 दिन करनी है। और अगर सीमेंट पोजलाना पोर्टलैंड सीमेंट है तो उसको आपको 14 दिन उसकी क्यूरिंग करनी है। तो ये था फ्रेंड्स हमारे आज का टॉपिक, चेकलिस्ट थी प्लास्टर वर्क और इस पे ब्लॉक मैसनरी पे। तो ऐसे ही मैं 6 टॉपिक और लाने वाला हूँ। आज मेन चीज़ें मैंने आपको बता दी। अगर इस टॉपिक को आपको इसका PDF चाहिए तो मैं ये अपनी वेबसाइट पे भी अपलोड करने वाला हूँ, उसका PDF आपको मिल जाएगा। सामने आप देख रहे हो फिल किया हुआ जो प्लास्टर का है, आप पढ़ सकते हो वीडियो रोक के, जहाँ ये फॉर्मेट आपको हमारी वेबसाइट civilsitevisit.com पे भी मिल जाएगा, आप वहाँ डाउनलोड कर लीजिए, एक बार पढ़ो, इंटरव्यू के भी काफ़ी क्वेश्चन इसमें से निकलेंगे। थैंक यू।